बार हुई रईस और काबिल को लेकर कंट्रोवर्सी। दोनों फिल्में एक ही दिन पर रिलीज होने के कारण प्रॉफिट दोनों फिल्मों में बट गया है। जहां शुरू से ही स्टार्स अपनी अपनी फिल्म को लेकर थे कॉन्फिडेंट और प्रोटेक्टिव, अब तो प्रॉफिट के फिगर्स को लेकर भी हो चुके हैं एक्स्ट्रा टची। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार शाहरुख खान की। शाहरुख ने रईस की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए दी थी एक पार्टी, जिसमें मीडिया के साथ साथ इनवाइटेड थे उस फिल्म के सारे किरदार। शाहरुख खान जो हमेशा ही हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, वो हो गए सीरियस एक सवाल पर जो उन्हें एक रिपोर्टर ने पूछा। दरअसल रिपोर्टर ने उन्हें पूछा, सर ये सक्सेस पार्टी किस लिए है जबकि रईस तो इतनी चली नहीं। ये सुनते ही शाहरुख खान भड़क गए। फिर उन्होंने कहा कि तुझे पता है कितना कमाया है इस फिल्म ने, तू बता क्योंकि मुझे तो पता नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तू बता किस तरफ से आया है तू। तो देखा दोस्तों, पहले तो उन्होंने सफाई दे दी कि फिल्म से वो बहुत खुश हैं और पैसे और कलेक्शन उनके लिए इतने मायने नहीं रखते। और फिर उन्होंने ये भी पूछ लिया कि कहीं ये रिपोर्टर ऋतिक की तरफ से तो नहीं आया। इसका मतलब तो यही है कि कितना भी ऋतिक और शाहरुख दिखाए कि वो दोस्त हैं और सब ठीक है उनके बीच, लेकिन इस फिल्म की रिलीज की लड़ाई ने उनके बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है जो शायद हटना मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज प्रीति राव फ्रॉम नर्जिस न्यूज।